मृत मरे मंगता जेल में मुझसे सब डरते हैं, तू नहीं डरा, क्या करता था? वैसे तुम लोग किसके लिए काम करते हो? मुख्तार के लिए। हम लोग उनके हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं करते। पुलिस से बचकर ब्राउन शुगर, हेरोइन, अफीम और चमड़ी के सिक्के डीलर तक सही सलामत पहुंचाते हैं। एक दिन मुख्तार ने अपने बिजनेस पार्टनर सिंघल और केलकर को अपनी बिजनेस की कामयाबी पर एक पार्टी दी थी। वाकई ये साल हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहा है। हमारी पार्टनरशिप जमी है, बिल्कुल आगे से भी ऐसा ही होता रहेगा। अच्छा, क्योंकि हमें गद्दारी पसंद नहीं है। क्या बोलता है सिंघल? मुख्तार, तुम्हें शक की बीमारी है, इस बीमारी का इलाज करो। जिंदगी के मजे लूटो, मजे। क्या बोलता है साले? बड़ा हराम ये साले। तोहफा। तोहफा कबूल करो। कबूल कबूल। चला। तो मैं क्या करूं, उसे राखी बंधवा लूं? बात करता साला। खुदा कसम, जो उसे हाथ लगाएगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो चलो। डूडा और जेल के मेरे सारे साथी अपनी अपनी जिंदगी को अपने गुनाहों की वजह समझते थे, पर मैं तो जानता था कि इसे बदला जा सकता है। सर भाई, सिंघल हमारे खिलाफ हो गया है और हमारे आदमियों को जेल में मारने की साजिश कर रहा है। साला इसकी ये मजाल, आज ही साले को टपका डालते हैं। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। सिंघल को हम नहीं मारेंगे। जेल में डूडा को खबर पहुंचा दो कि सिंघल उसे टपकाने वाला है। बाकी सब लोगों को जेल से निकालने का बंदोबस्त करता हूं। डूडा खुद उसको टपका देगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या बोलता है? ठीक है भाई, ये हमारा वादा रहा। कल शाम तक डूडा जेल से बाहर हो। हमारे साथ एक और बंदा है, उसको भी बाहर निकालना है। चल राशिद का फोन है। हाँ राशिद भाई, सिंघल मैवरिक बार में है, जल्दी पहुंचो। चलेगी मेरे साथ सिंघल? नेताजी पकड़ा गया, अब तू हमारे साथ चल। सीबीआई पीछे लगेगी। वही तो, इसीलिए हम इधर आए हैं। घर जाने में खतरा है, कभी भी रेड पड़ सकती है। हेलो, सिंघल को तूने ही टपकाया ना? हाँ भाई। सरताज खुले सांड की तरह घूम रहा है। अच्छा, वो तुझे भी टपका सकता है। उसका भी नंबर आएगा मुख्तार भाई। उस सुअर की औलाद ने मेरा धंधा चौपट कर दिया है, उस साले को टपका दे। मिलकर बात करता हूं ना भाई। मुझे मुख्तार के साथ रहना जरूरी है, नहीं तो साला शक करेगा। समझा दूंगा उसे कि तुम लोगों को काम पे लगा दिया है। मैं नहीं समझता कि शहर में सिंघल और गर जैसे लोगों की जरूरत है। हम सब कुछ संभाल सकते हैं। हम सब कुछ संभाल सकते हैं, मजाक समझ रखा है? माना कि सिंघल गया,
लेकिन हवा में उड़ने वालों को मैंने जमीन चाटते हुए देखा है, क्या समझे? अपन के पास दमदार प्लान है, हम चुकेंगे नहीं। अबे वो तो सभी कहते हैं, लेकिन जब पूंछ में आग लगती है ना, तब पता चलता है। ये सारा पुलिस डिपार्टमेंट जब लेगा ना, तब पता चलेगा। यहाँ मिलजुल कर काम चलता है भैया, क्या समझे? मुझे कुछ दिन का टाइम चाहिए। ले 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 ले, 3 हफ्ते का टाइम ले ले। मैं फिरोज को बोल देता हूँ, मैं भी तो देखूं कि तू कौन सा तीर मारता है। इसके बाद जब भी तुम्हारा मुंह खुलेगा, हमारे फेवर में खुलेगा, समझे? तो अब तक तुमने इनके खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं? तुम भी तो कुछ कर सकते थे। कल से इन लड़कियों को इसकी आदत डाल दो। अब अपन को मजा लेने दो, हाँ? क्या समझे? डुड्डा, मेरे डुड्डा आ गया तू, हाँ? तेरा रोज का क्या नाटक है ये, हाँ? गायब होता रहता है। और ये तूने तो कहा था कि राशिद और उल्लास किसी काम के लिए मैंने बाहर गांव भेज दिया है, फिर ये सब क्या है? बकवास बंद कर कमीने, तूने हमारी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, अब इन बच्चों की भी शर्म आनी चाहिए तुझे। तूने मुख्तार भाई को तू बोला, तूने अपन को गाली दिया, हराम जादे। इन बच्चों को छोड़ दे। ए! अपुन से ज्यादा मत बाजी नहीं करने का। कमीने, थू, मर साले माधर चोत कमीने। भाई कौन थी वो लड़की? इसका मतलब ये हमें अपना नहीं समझता, इसीलिए तो आज तक कुछ बताया नहीं अपने बारे में। बता देना भाई, हमें क्यों गैर समझते हो? अरे, अरे? मैं तुझे समझ सकता हूं अर्जुन, हमारे चक्कर में तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं भी अब आराम की जिंदगी जीना चाहता हूं, जैसा तू बोलता था वैसा, अपनी मर्जी का। अर्जुन तुझे अपनी जिंदगी जीना है, बहुत प्यार करती है वो तुझसे, मैंने देखा है उसकी आंखों में। तू ठीक कहता है, मुझे जाना चाहिए। जा अर्जुन जा, जी ले अपनी जिंदगी।